जिस तरह से आदिवासी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला, क्या जेएमएम और कांग्रेस के शासनकाल में बता दे कि कौन सा काम आदिवासियों के लिए किया है। आदिवासियों को सम्मान देने वाला, आदिवासियों को आगे बढ़ाने वाला भारतीय जनता पार्टी ही है। संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें जनता की हुजूम है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सबने यहाँ की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय हासिल करके झारखंड में सरकार बनाएगी। भाजपा ने संकल्प यात्रा के समापन के दौरान दो संकल्प दिलाया मुख्तर अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को हटा देना है और नरेंद्र मोदी को दोबारा लाना है। हमारे साथ आशा लकड़ा जी हैं। आशा जी, ये संकल्प भाजपा का जो है वो जनता का संकल्प बनेगा, आपको ऐसा लगता है क्या? देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? कई भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने के बावजूद भी देश के पटल में आज भी वो नेता है, जन नेता के तौर पे उनको याद किया जाता है, तो क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है आज के डेट में? आपने देखा होगा जिस तरह से झारखंड को, झारखंड के सरकार जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने लूटा है, भ्रष्टाचार है, भय है, जिस तरह से दोहन और शोषण किया है, तुष्टिकरण की राजनीति की है, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ नहीं है। बेटी हो, किसान हो, बेटों के साथ में दुर्व्यवहार किया है और उनकी जो वादा किए थे वादा खिलाफी हुआ है। अधिकतर जिन तरह से मैं विगत छः महीना की अगर मैं डाटा बताऊं तो 3000 बहनों के साथ में रेप हुआ, बलात्कार हुआ और उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सबके सामने आया है। और आज जिस तरह से हुंकार यात्रा, संकल्प यात्रा ये हुंकार के साथ आई है, आपने देखा होगा पूरा 17 तारीख से लेकर के आज 29 तारीख तक रेगुलर जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें जनता की हुजूम है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सबने यहाँ की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय हासिल करके झारखंड में सरकार बनाएगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहते हैं एड्रेस, तो आपकी बातों को तो एक ही सिरे से खारिज कर देते हैं कि ये लोग आदिवासी विरोधी है, ये लोग सत्ता पे आएंगे तो फिर उल्टा पुल्टा कानून बनाएंगे और राज्य में एक बड़ी संख्या आरक्षित है सीट आदिवासियों के लिए, तो उस बीच क्या आदिवासियों का भी दिल आप जीत पाएंगे? आपने देखा होगा जिस तरह से आदिवासी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला, क्या जेएमएम और कांग्रेस के शासनकाल में बता दे कि कौन सा काम आदिवासियों के लिए किया है? मैं आपको बताऊं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के सम्मान के लिए जनजातीय गौरव दिवस जैसे एक आदिवासी दिवस मनाने के लिए इस विषय को लेकर आए और माननीय बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को इस तब पूरा देश मान रहा है, देश ही नहीं विश्व जगत के लोग मान रहे हैं। उसी तरह से आप देश के सर्वोच्च पद पर हमारे राज्य की गवर्नर रही, ऐसे हमारी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू जी आज देश को का नेतृत्व कर रही है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, ऐसे तमाम जो आदिवासी नेता हैं। इसके अलावा कई योजना लेकर के आए, आज भी कई योजना पीछे छूट गए। आपने 17 सितंबर को आपने देखा विश्वकर्मा योजना लेकर के आए, जिसमें पिछड़ा है, अगड़ा है, जो अपना काम छोड़ चुके हैं, अभाव था उसको भाव उत्पन्न करने का मोदी जी ने प्रयास किया है, चाहे वो बढ़ई हो, कर्मकार हो, लोहार हो, जो मोची है, आपका राजमिस्त्री है, ऐसे छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान दिए हैं और यह काम आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा जिसके पास रहने का छत नहीं था उनके लिए छत दिए हैं, जिनका शौच करने के लिए जगह नहीं था उनको शौचालय दिए हैं, आयुष्मान कार्ड जैसे एक जीवन उद्धार किया कि लोग उनसे अपना एक इलाज करा पा रहे हैं। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री ये अन्न योजना दी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश भर में लोगों को अन्न बांट रहे हैं, लोग में जो गरीबी थी उसको कम किए हैं। तो आदिवासियों को सम्मान देने वाला, आदिवासियों को आगे बढ़ाने वाला भारतीय जनता पार्टी ही है और जब भी करती है भारतीय जनता पार्टी तो डंके की चोट पर करती है और सम्मान के साथ करती है। आपने देखा होगा कि कौन सा ऐसा गाँव बच गया होगा जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल में रोड उस तक नहीं है। मैं तो हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहती हूँ, आप बता दो कौन सा ऐसा रोड बनाए ताकि आज जो पहाड़ तक जाने वाला गाँव में लोग जा सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है। आज नल से जल योजना घरों तक पहुंचा दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हमने कहा, गांव और शहर को पाटने का काम किया, कौन व्यक्ति पक्का मकान बना सकता है, लेकिन स्वयं से ईंटा गार के लोग आज प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आदिवासियों का सम्मान आज जितना भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शासन ने दिया,
कोई नहीं दिया। एक आखिरी सवाल, चाहे तो आप जवाब नहीं भी दे सकते हैं, क्या हम भविष्य के सांसद उम्मीदवार से या विधायक उम्मीदवार किससे बात कर रहे थे अभी? ये पार्टी का नेतृत्व पार्टी तय करती है, मैं एक साधारण पार्टी की सिपाही हूँ और आगे इस सिपाही बन के काम करने वाली हूँ। www.thefollowup.in